अभी यहाँ दूध की सप्लाई कर रही है, कल से दूध और सब्जी की सप्लाई शासकीय व्यवस्था द्वारा की जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं हमने कर्फ्यू लगाया हुआ पूरे शहर में, तो कोई मूवमेंट किया नहीं रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जो है सब्जी और दूध की सप्लाई कल से 8 से 10 बजे की जाएगी। नहीं बिल्कुल, मेरा लोगों से आह्वान ये है कि देखिए 40 दिन हमने बहुत अच्छे से निकाला है, कर्फ्यू लगाया है हमने आपकी सुरक्षा के लिए लगाया है। इस कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, सतर्क भी रहें, और जो भी अगर आपको जानकारी मिलती है वो कृपया हम लोगों से शेयर करें। इसके साथ साथ ही मेरा एक और आह्वान मैं लोगों से करना चाहूँगा कि घबराने की बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हमने 40 दिन बाद हमारे यहाँ केसेज आए, हम कोशिश करेंगे इसको कंटेन करने की, और अगर इनसे संबंधित कोई जानकारी अगर उनको उनके पास है तो वो हमको ज़रूर दें। इनसे संबंधित और जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उनको भी हम लोग आज अभी ट्रेस कर रहे हैं, और जैसे कल मैंने बताया कि सब दोनों लोग एक ही परिवार से हैं और अलग अलग घरों में रहते हैं, तो इसके बाद अब जो भी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उनकी सैम्पलिंग की जाएगी। तो लगभग मुझे लगता है अभी 30-40 लोग और निकलेंगे, शाम तक फिगर इसके क्लियर हो जाएंगे। जैसा आपको पता है कल रात में हमाल मोहल्ला और स्कीम नंबर 7 के 2 महिलाएं और 2 पुरुष, कुल 4 लोग अभी तक पॉजिटिव आए हैं। जैसे ही जानकारी आई है तत्काल हम लोगों ने दोनों क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है, और उसके साथ ही पूरे नीमच नगरीय क्षेत्र और बघाना का जो देहात का क्षेत्र है वहाँ पर कर्फ्यू भी लगा दिया है। देर रात में लागू हुआ है, तो हम लोगों का प्रयास है कि सभी को माइक सिस्टम और अपने साधनों से उनको अवगत करा दिया जाए। आज केवल दूध की सप्लाई शहर में सुबह के समय 8 से 10 में चालू रखी गई है। इसके अलावा कंटेनमेंट एरिया में पूरी तरह से लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रखा गया है। अभी जो कल सैंपल्स गए थे 46, उसमें से 42 नेगेटिव आए हैं, उनके परिवार के लोग हैं, और जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनमें भी अभी किसी तरह के लक्षण दिख नहीं रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं। इसलिए अभी बहुत लोगों को इसको ले कर चिंता करने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका जो प्राइमरी इलाज इसका चलता है वो इलाज भी हो रहा है। मेरा कहना लोग धैर्य बना के रहें, अपने घरों में रहें, और लॉकडाउन और कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन करें। अभी हम लोगों के लिए सबसे बड़ा टास्क है कि इनसे जो लोग भी संपर्क में आए हैं उन लोगों को चिन्हित करना, और उन लोगों को भी हमें सैंपल ले कर जाँच करानी होगी, उसके बाद ही हम लोग इस चेन को ब्रेक कर पाएंगे। तो मेरा आपके माध्यम से आप लोगों से भी अपील है कि इसमें अभी पूरे शहर में हम ये नहीं कह सकते कि कौन से लोग इनके संपर्क में आए कौन से नहीं आए, एक बार पूरी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी तो शायद हम अपने ज़िले में और संख्या बढ़ने से रोकें।